आ एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें। यही प्रार्थना के साथ आज हर एक यहाँ बैठे हुए जिज्ञासुओं के लिए जबरदस्त और बहुत सरल और निश्चित कार्य का निश्चित काम करने वाला एक दिव्य उपाय, और हर व्यक्ति चाहता है कि ये उपाय मुझे मिले। मेरे पूर्वजों ने कोई पाप किया हो, मेरे परिवार में कोई दोष हुआ, मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, पूर्वजों के कारण, मेरे कारण, मेरे परिवार के कारण, मेरे बच्चों के कारण, किसी भी कारण से आज ये दुख मुझे झेलना पड़ रहा हो, ये दुख भी मिट जाए और आगे के भविष्य में अगर हम रहे ना भी रहे, कभी बुढ़े हुए, 100 साल के हुए, गए, उसके बाद भी हमारे परिवार के लोग कभी दुखी ना हो, मेरे बच्चे दुखी ना हो। आप सब एक स्वर में बोलो, आपके बच्चे सुखी रहे कि नहीं? बोलो जोर से। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहे? आप सब चाहते हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ के दुनिया भर की जब मैंने शास्त्रों को टटोला तो कहीं कोई उपाय नहीं मिला। उनके पुण्य से वो सुखी हो जाएं वो अलग बात, आपके चाहत से कैसे सुखी हो भाई, उनका पुण्य हो और वो पुण्यशाली आत्मा सुखी हो जाए अलग बात, लेकिन आपके चाहत से। क्योंकि हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे कभी दुखी नहीं होना चाहिए। कई माँ बाप मेरे पास आके रोते रोते बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत दुख देखा गुरुदेव, और पत्नियां खास करके माताएं जरूर बोलती है उस जोड़े में कि मैंने बहुत दुख देखा गुरुदेव, और भी दुख देखने में तैयार हूँ, मुझे दुख आने दो गुरुदेव, लेकिन हमारे परिवार में मेरे बच्चों को भविष्य में कोई दुख नहीं आना चाहिए, हर एक ये चाहते हैं। तो मैंने बहुत शोध किया, 25 साल की साधना में जब मैंने अच्छे से शोध किया तो मुझे लगा कि भाई ये चीज कैसे मिलेगी। फिर शास्त्रों को टटोला तो एक जबरदस्त उपाय जो काव्य सिद्धि कारक है, आपका दुख मिट जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कई गलतियां की होगी, वैश्यागमन, दारू पीना, पाप करना, झूठ बोलना, लोगों के धन को हड़पना, ऐसे कोई 7 पीढ़ी में किसी ने किया हो, क्या पता हमको किसने क्या गलती की, किसने क्या परेशानी की, उसका किसका श्राप लगा जो आज हम दुखी हैं, क्या पता बेटा। और आज हमने भी कोई कम काम थोड़ी किए हैं, क्या न कहा, गड़बड़ किया कि नहीं बेटा, तो सब गड़बड़ का परिणाम है, और फ्यूचर में भी बच्चे भी गड़बड़ कर दें तो दुख ना आए। इसके लिए क्या करें, सब पूर्वजों के पाप, अपना पाप, आगे के छोटे परिवार की पीढ़ी का पाप निकल जाए और बच्चे भविष्य में सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, इसके लिए शास्त्रों में एक अचूक उपाय बताया है, और ये समाधान मात्र कुलदेवी ही कर सकती है। इसलिए ये वीडियो आज डाल रहा हूँ कि नवरात्रि आ रही है, कहीं लोग कुलदेवी के अपने अपने स्थान पर दर्शन करने जाओगे तो ये उपाय इस नवरात्रि में ही शुरू करने जैसा उपाय है, और ये उपाय को आप जब भी कुलदेवी के मंदिर में जाओ करो, एक बार कर लो तो ही एक बार में ही आपके पुराने जितने भी पूर्वजों के पाप, श्राप, अपराध नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख आ जाएगा। इस उपाय को जो परमानेंट करेगा उनके बच्चे कभी दुखी नहीं होंगे, और ये निश्चित होगा क्योंकि शास्त्रों में इसका व्यवस्थित स्पष्ट उल्लेख है। क्या करना महाराज आप बताइए, बहुत सरल है। आप अमावस्या, अभी जो श्राद्ध की अमावस्या खत्म होगी, अमावस्या अगर रविवार को है, आप समझ लिए, क्या मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अमावस्या रविवार को नहीं है क्योंकि इस बार गुरुवार को प्रथमी शुरू हो रही है, तो बुधवार को अमावस्या है इस बार की बात कह रहा हूँ, हर महीना एक अमावस्या आ रहा है, तो इस बार की अमावस्या बुधवार को है समझिए, तो गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो जब भी अमावस्या खत्म हो उसके तीसरे दिन, जैसे बुधवार को खत्म हो रही है तो गुरु शुक्र शनि, समझ गए, शनिवार के दिन कड़ा नमक 100 ग्राम खरीदना, कितना है 100 ग्राम, यानी अमावास होने के तीसरे दिन, अगर रविवार को अमावास आया, सोम, मंगल और बुधवार को नमक खरीदना, 100 ग्राम खरीदना, कितना है 100 ग्राम, उस नमक को, उस पैकेट को
अपने घर के हॉल में या ऐसी जगह में जगह हम सोते नहीं, सोते जगह में नहीं रखना। वो कोई खाली कमरा हो चले या घर का हॉल हो, हॉल में सोफा पर कोई सोवे पिए तो भी चले, क्योंकि वो पर्सनल बेडरूम नहीं है। उधर हॉल पर टीवी देखते देखते कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, वो सब चलता है। कोई हॉल में कोई बांधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। घर के हॉल में हो या कोई ऐसा रूम जहाँ पर कोई सोते नहीं हो, इन रूमों में ये प्रयोग करना है। पहले 100 ग्राम नमक को एक पीली थैली बना लेना है, करीब 1-1.5 किलो नमक पकड़ सकें ऐसी थैली, ताकि आप साल में एक बार कुलदेवी के मंदिर जाओ तो भी ये थैली काम आ सके। तो ये ऐसी पीली थैली, एकदम पीली थैली, उस थैली में ये 100 ग्राम नमक रख के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है। किधर रखना है? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का कोना कॉर्नर, उस कॉर्नर में ये थैली रख देना है। हर तृतीया को नमक खरीदना है, यानी हर अमावस के तीसरे दिन। अमावस आ भी शुक्रवार को आया तो आप कब नमक खरीदोगे? जोर से बोलो, सोमवार। अमावस कब आया तो आप कब खरीदोगे? सोमवार को खरीदोगे। अमावस शुक्रवार को आया, शनि रवि और सोम, अमावस होने के तीसरे दिन खरीदोगे। हर महीना खरीदोगे, 100 ग्राम खरीदोगे, कड़ा साबुत नमक खरीदोगे, आग का नमक, और 100 ग्राम खरीदोगे। वो जैसे भी दुकान वाला बांध के दिया, उसको पेपर में बांध के दिया, प्लास्टिक कवर दिया, ऐसे ही 100 ग्राम का रेडीमेड पैकेट दिया, जो दिया, अपने को खोलना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, उसका कुछ नहीं करना है, खाली उसको ले आके साउथ वेस्ट कॉर्नर के उस पीली थैली में रख देना है। अब जब भी आप वो रख के 4 दिन बाद आप कुलदेवी के मंदिर जाओ, 4 महीने बाद जाओ, 4 साल बाद जाओ, 1 साल बाद जाओ, जितने पैकेट इकट्ठे हुए, बीच में एक भी तृतीया नमक खरीदना छूटना नहीं। अगर छूट गया तो ये उपाय काम नहीं करता, और इसका कोई गिनती नहीं है कि 4 महीना के, 40 महीना के। हमने खरीदना शुरू किया, बीच में खंडित नहीं किया, 2 महीने में चले गए ठीक कुलदेवी के मंदिर में, 20 महीने में गए ठीक, 20 दिन में गए ठीक, 10 दिन में गए ठीक, जब खरीद लिया एक ही पैकेट हो तो भी कुलदेवी के मंदिर में ये थैली लेके जाना है, पीला थैली लेके जाना। और 2 साल में एक बार गए, 12 पैकेट थैली में आ गया होगा, वो पूरा थैली लेके जाना। अब थैली लेके जाना करना क्या महाराज? पहले जाते ही कुलदेवी के मंदिर में, हर मंदिर के कंपाउंड के अंदर मंदिर होता है, तो उस कंपाउंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाना। अभी आप आके देखो, जरूर कई लाखों लोग ये भारत में नवरात्रि में कुलदेवी मंदिर जाते हैं, इसलिए खास करके ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये अमावस खत्म होते ही तीसरे दिन तृतीया आएगी, उसके बाद ही आप अष्टमी नवमी को ही कुलदेवी मंदिर जाओगे। तो आपने खरीद लिया एक पैकेट, वो पीली थैली बना लो, एक आप ऐसी हैंड थैली, उसमें आप एक पैकेट डालो ले जाओ, अगले साल जाओ तो 12 पैकेट हो जाएगा, ले जाओ जब भी जाओ तब ले जाओ। वहाँ कंपाउंड में जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर में पहले आप कुलदेवी मंदिर में गए, आपने कमरा ले लिया या कुछ कर लिया उधर ठहरने के लिए तो ठीक, नहीं तो वहाँ जाके ये प्लास्टिक के बकेट में ये नमक डाल के थोड़ा पानी डाल दो, इसको गलने दो, इसको छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, फिर सीधे कुलदेवी मंदिर में जाके दर्शन करो। ये पानी को जब तक नमक में आप जब दर्शन कर रहे हो, ये नमक वहाँ उसी मंदिर के परिसर में पानी में गलता रहना चाहिए, समझ गए? और आप दर्शन में जाना चाहिए, आप दर्शन में गए, पूजा भक्ति की, आपको जो चढ़ाना था चढ़ाया, फल फूल नैवेद्य चढ़ाया, वंदन किया, आरती देखी, दीपक देखा, दर्शन किया, प्रार्थना किया, उस समय प्रार्थना करो कि मैं हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्वजों के श्राप पाप दुख को, मेरे किए हुए गलतियों को, मेरे परिवार की सभी गलतियों को इस नमक में लेके आई हूँ, जैसा ये नमक को पानी में गला के समाप्त किया है, वैसे हमारी सभी पीढ़ियों के आगे के बच्चों के समस्त दोषों का पूर्ण रूप से निवृत्ति होनी है, माँ आशीर्वाद दो, ऐसा बोल के इसको निवृत्त करो, हमें सब दुखों से मुक्त करो, ऐसे प्रार्थना करके उसके बाद वंदन
प्रार्थना कर लिया, आपको जो जो बोलना बोल दो, आपका जो उदारी का दुख हो, शरीर में रोग हो, कोई परेशानी हो, हमारे किसी भी दुख से ये हुआ हो, ये निवृत्त हो जाए, आगे हमारी कोई पीढ़ी, हमारे बच्चे दुखी नहीं रहे, मां तू आशीर्वाद दे, क्योंकि कुल में सुख, बच्चों में सुख की अधिष्ठात्री कुल देवी है और कोई नहीं कर सकते। और ये वंदन करने के बाद जो बकेट में गलाया आपने नमक, वो गल गया क्या? देखो, वो अच्छे से गलना, आधा पाव नमक पड़ा है नो ऐसे ही ले लिया, नहीं, पूरी तरह पानी पानी हो गया। अच्छे से चेक कर लो कि अच्छा सा पानी हो गया। फिर उसको उसी कंपाउंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में उस पानी को ले जाके डाल दो। आपका घर का पूरा तकलीफ परेशानी सब अपने आप इस जगह में ट्रांसफर हो जाएगा। और उधर वो पानी डालने के बाद वो पानी पूरा जमीन सोख लिया, तो उधर एक छोटा सा कपूर रख के उस कपूर को जला दो। अब ये कपूर जला दिया, समझ गए आप सब बात क्या है? कपूर जलाने के बाद जिस जगह में पानी डाला, कपूर जलाया, उस जगह को नमस्कारो, नमस्कार करो, उस जगह को वंदन करो। पूरे परिवार गए हो, अकेले गए हो, जितने लोग गए हो, सब उस जगह को वंदन करके मुझे सुख देने वाली माँ को प्रणाम, ऐसे प्रणाम आपके मन से करके हाथ धोना। तुरंत क्या करना? पैर धोना। जितने लोग गए सब हाथ पैर धोना। अच्छा है ना लें, क्या करना? अगर ना लिए तो बहुत अच्छा, तुरंत ना लो और वापस कपड़े पहन के पुनः एक बार कहाँ जाना है? माँ के दर्शन में जाना। माँ तूने सुख दिया, तूने दोष मिटाया, तेरे को धन्यवाद, ऐसे प्रार्थना करके आओ। भले 12 महीने में जाओ, 6 महीने में जाओ, 1 महीने में जाओ, जब भी जाओ ये करो। एक बार करोगे तो भी तुरंत आते ही इसका रिजल्ट हाथों हाथ सामने दिखेगा कि जो रुका हुआ काम वो हो रहा है, जो पड़ा हुआ काम वो हो रहा है, जो तकलीफ वो मिट रही है। हर चीज का आप में एक दम बल दिखेगा कि पॉजिटिविटी ऐसी आएगी कि आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये एक ही उपाय, अगर भविष्य में अपने बच्चे दुखी नहीं हो ये कोई चाहते हो तो पूरे शास्त्रों को टटोलने के बाद मुझे ये एक ही उपाय दिखा, ये कुलदेवी का उपाय और किसी का। सभी देवता लक्ष्मी धन दे सकती है, सरस्वती ज्ञान दे सकती है, भगवती शक्ति दे सकती है, लेकिन कुल में सुख देने वाली कौन है? तो ऐसी माता का नवरात्रि आ रही है, तो इस नवरात्रि में तीसरे दिन नमक खरीद सकते हो, 8वें 9वें दिन ले जाके वो कर्म कर सकते हो। उधर कपूर जलाया, वंदन किया और नाए और वापस कुलदेवी का दर्शन किए। वापस घर आते ही जैसे ही घर पहुंचे, कितने भी बजे पहुंचे, रात में पहुंचे, दिन में पहुंचे, सुबह पहुंचे, कभी भी पहुंचे कुलदेवी के मंदिर से घर, क्योंकि ट्रेन या फ्लाइट जब पहुंचेगी तब हम पहुंचेंगे ना भाई, तो जैसे ही पहुंचे तुरंत उधर भी दीपक करो अपने घर में, कुलदेवी को नमस्कार करो। ये करते ही रुके हुए काम सब चलने लगेंगे, दुख सुख में बदल जाएगा, बच्चे में संस्कार आते दिखेंगे, कहना नहीं माने वो बच्चे भी लाइन में आ जाएंगे, माँ बाप के आज्ञाकारी हो जाएंगे और बच्चे भी खुश खुश रहेंगे, आप भी खुश खुश रहेंगे, आपके पितरू भी खुश खुश हो जाएंगे। ऐसे 100 पीढ़ी को खुश करने वाला ये उपाय माँ जगदम्बिका के चरण में आप करोगे, आपका ये कल्याण होगा। यही कल्याणकारी शक्ति प्राप्त करें, मंगल पाएं, यही मंगल आशीर्वाद। अभी 2-4 सवाल लोगों ने इस वीडियो संबंधी जो बैठे हैं उन्होंने पूछा, शायद सब लोगों को ये सवाल होगा, क्योंकि हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में आन नहीं रखता हूँ तो सवाल का जवाब नहीं होता और हम कोई जवाब देते नहीं है, इसलिए इसी में ये जवाब दे दूँ कि इस नमक को हम किस टाइम में खरीदें। तो जो भी वार में आप खरीद रहे हैं, वो मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, गुरु शुक्र, तो दिन भर में आप कभी भी खरीद सकते हैं नमक को, इसमें कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी जाओ खरीदो दिन भर में, सूर्यास्त के बाद नहीं खरीदना, आप सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर कभी भी खरीद लो, उसका यही टाइमिंग, आप कभी भी खरीदो नमक खरीदने में। और कई महिलाएं मेरे पास बोल रही है कि गुरुदेव हमारे यहाँ 100 ग्राम पैकेट नहीं देते नमक, 1 किलो देते हैं, क्योंकि नमक का मूल्य कम होने से दुकान वाले ये 100 ग्राम लेके क्या देवे न लेवे ऐसे सोचते होंगे। तो आपके गांव में, हमारे यहाँ तो छोटा गाँव है, आज भी सब प्रेम अपनापन है, तो 100 ग्राम दे देते हैं, अभी बॉम्बे जैसे शहरों में तो 1 किलो ही देते होंगे, तो आप 1-1 किलो का पैकेट खरीद के लाओ। आप ऐसे सोचोगे कि 100-100 1 किलो लेके 100-100 ग्राम के 10 पैकेट बना लूंगी और जब तृतीया आएगी 1-1 पैकेट थैली में डालती जाऊंगी,
ये नमक हर तृतीया को खरीद के नया घर में लेके प्रवेश करना बहुत जरूरी है। आप पहले ही 10 पैकेट ले लिए और घर में रख लिए तो वो थैली में डाला हुआ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पड़े पड़े दूसरी नेगेटिविटियों को खींच खींच के पहले से ही दूषित हुआ हुआ होगा, और उसको आप थैली में डालोगे तो देवी के नाराजगी के पात्र बनोगे। नया नमक लाना। अगर 100 ग्राम नहीं दे रहे, 100 ग्राम तो मैंने इसलिए बोला है कि आपको एक छोटा सा थैली हो तो बस है 100 ग्राम। आप 10 किलो लेके ऐसे जाना बड़ा तकलीफ पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं दे रहे हैं तो आप 1 किलो का पैकेट ले आओ और 900 ग्राम अपने डब्बे में भर लो आप, और 100 ग्राम का एक पैकेट बना के हर तृतीया को आप उस थैली में रखते जाओ। 1 किलो खरीद लो, 900 ग्राम खाने में रख लो और 100 ग्राम पैकेट में डाल दो, आपके ये काम सिद्ध होता है। और क्या पूछा था? हाँ, जिनको कुल देवता का पता नहीं है वो प्रार्थना करो कि हमें भी ये उपाय करनी है माँ, जल्दी तू अपना स्थान बता ताकि मैं नमक लेके उधर पहुंच सकूं। ऐसे प्रार्थना करो, जल्दी ही आपको कुल देवी का स्थान मालूम पड़ जाएगा, फिर आप नमक लेके जाना। जिसको पता नहीं है वो नहीं करना। और दूसरी बात, जो कुल देवता पुरुष है उनके स्थान पे भी ये कर सकते हैं। कोई सती हुई है कुल देवी मानते हैं, कई लोग सतियों को कुल देवी मानते हैं, उनके पूर्वजों में कोई सती हुई हो तो उसको ही कुल देवता के रूप में पूजते हैं। सती के मंदिर में, कुल देवी के मंदिर में और कुल देवता के मंदिर में, तीनों मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सर्व मंगलकारी सिद्धि देने वाली है। इस उपाय को करके जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही मंगल कामना।